फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन टेक न्यूज़। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं रेडमी 9 पावर में अपने फोटो और वीडियो किस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कम्प्लीटली कि आप इस फोन में अपने फोटो और वीडियो होते हैं उनको हाइड कर सकते हैं और किस तरीके से उनको अनहाइड करना होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक स्टेप फॉलो करना है, फिर आप भी जान जाएंगे कि आप इस फोन में अपने फोटो और वीडियो किस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा आपको, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चलना होगा गैलरी के अंदर। अब जैसे आप गैलरी के अंदर आ जाएंगे, इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस शो होता है। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे एल्बम पर। जब आप एल्बम पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने फोटो और वीडियो आपके गैलरी में पड़े हुए होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। सिंपल से बात है। अब उसके बाद आपको कोने में दिखेगा नीचे की तरफ एक प्लस का आइकन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, यानी कि आपको वो न्यू एल्बम क्रिएट करनी होती है। चाहे वो किसी भी नाम से कर लीजिए, यहाँ पे अपना कोई भी नाम डाल दीजिए। एक फोल्डर को आपको क्रिएट करना होता है, देन यहाँ पे ओके कर देना है। अब जैसे आप इसको ओपन करें, ओके करेंगे तो आपको ये अंदर ले जाएगा, उस फोल्डर में आपको अंदर ले आएगा ऑटोमेटिकली। तो देखेंगे हमारा फोटो पर सेलेक्ट है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एल्बम पे क्लिक करना है। अब जैसे एल्बम पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने फोटो हैं यहाँ पे, जितने फोल्डर्स हैं, जिस जिस फोल्डर में आपके फोटोज़ हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको किस फोल्डर से फोटो उठाना है जो कि आपको हाइड करना है, तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं ऑल एल्बम पर आ जाता हूँ। अब जैसे कि मुझे फोटो यहाँ पे कुछ हाइड करने हैं, जैसे कि ये और ये और कुछ इस तरीके से मुझे ये फोटो हाइड करनी है, तो उनको इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से उस पर टैप कीजिए और वो सेलेक्ट कर लीजिए। और ऊपर आपको दिखेगा एक सही का आइकन, यानी कि इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे से पूछता है आपको ये फोटो मूव करने हैं या फिर कॉपी करने हैं। तो सिंपल सी बातें, आपको अगर हाइड कर रहे हैं तो आपको मूव ही करने होते हैं, तो यहाँ पे मूव पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपके मूव हो चुके हैं आपके इस फोल्डर में, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे पवन के नाम में फोल्डर में ये आ चुके हैं। अब मुझे कुछ और भी फोटोज़ एंड अभी मेरे फोटो थे, अब मुझे करनी है वीडियो ऐड। तो उसके लिए क्या करना है, उसी फोल्डर पर क्लिक कीजिए एंड थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। ऊपर की ओर कोने पे दिखेगा थ्री डॉट एंड ऐड आइटम्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर से एल्बम पे क्लिक करना है। अब आपको जैसे कि वीडियो का फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ से अपनी वीडियो उठा लीजिए इसी तरीके से, जो जो वीडियो आपको हाइड करनी है एंड यहाँ पे सही पे क्लिक कर दीजिए। अब आपकी ये भी सिंपली आपको मूवी करानी है, देन मूव कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे ये शो हो चुके हैं इस तरीके से। अब इनको हाइड किस तरीके से करना है मैं आपको बता रहा हूँ, जी तो आपके फोल्डर में एक में क्रिएट हो चुके हैं। इसके लिए क्या करना है, अब जैसे कि आपको ये फोल्डर है इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करना है। अब जब लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके का यहाँ पे शो हो जाएगा, इस पर टैप हो जाएगा। अब उसके बाद आपको नीचे दिखेगा रीनेम एंड हाइड, आपको हाइड पे क्लिक करना है इस तरीके से एंड ओके कर देना है। अब देखेंगे हमारा जो कि फोल्डर था वो हाइड हो चुका है और जिस फोल्डर में से हमने फोटो उठाए थे वो उस फोल्डर में से वो फोटो भी गायब हो चुके हैं। तो अब उनको शो कैसे कराना है, यानी कि एक्सेस करना है उनको, हमें देखना है, तो किस तरीके से हम देखेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ये तो हाइड हो चुके हैं हमारे कम्प्लीटली। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए। उसके साथ ही साथ मैं आपको आगे भी स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा आपको हिडन व्यू हिडन एल्बम, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो फोल्डर हमने हाइड किया था वो यहाँ पे शो हो चुका है इस तरीके से। अब जैसे कि आपको कोई भी फोल्डर देखना है या फिर फोटो देखना है, वीडियो देखना है, यहाँ पे आगे देख सकते हैं डायरेक्ट। अब अनहाइड कराने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर अनहाइड का आपको आइकन दिखेगा, यहाँ पर अनहाइड कर देना है एंड ओके कर देना है। अब देखेंगे आपकी जो होम स्क्रीन है गैलरी की, वहाँ पर ये आपको शो हो जाएगा इस तरीके से। तो देखेगा आपने तो आप समझ चुके होंगे कि इस फोन में आपको किस तरीके से अपने फोटो और वीडियो को हाइड करना रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।